हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और एक बार फिर से एक नए विषय के साथ मैं आपके पास आया हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले विषय में आपने बहुत कुछ जाना परमेश्वर के विषय में, और आज फिर से हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया लगभग 2000 साल पहले हम जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसके चेलों ने सवाल पूछा कि प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, तू कब आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही जिसको आज हम थोड़ा विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को याद करो। लूका उसका 17:32 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण करो? किसी और नबी को याद करने के लिए क्यों नहीं कहा, किसी और बात को स्मरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद करो। ऐसी क्या खासियत थी? अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएं तो हम जानते हैं कि लूत की जो पत्नी थी उसके विषय में, लूत के विषय में जानते हैं, लूत अब्राहम का भतीजा था। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम अपने भतीजे के साथ परमेश्वर के साथ साथ चला, और कुछ समय के बाद लूत बहुत धनवान हो गया और वो सदोम और अमोरा में जाकर रहने लगा। आप जानते हो सदोम अमोरा एक तराई वाला क्षेत्र है, दिखने में हरा भरा था। जब लूत ने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा, बहुत हरा भरा अच्छा देश है, वहां पर बहुत सारी सिंचाई है, कोई कमी घटी नहीं है। और लूत ने कहा, अब्राहम से कहा कि मैं इस ओर जाऊंगा, मैं सदोम अमोरा में जाऊंगा। और लूत वहां गया और वहां जाकर रहने लगा। लेकिन उस सदोम और अमोरा के विषय में पवित्र बाइबल में बताती है कि वो जो सदोम अमोरा है वो पाप से भरा हुआ एक शहर था, पाप से भरा हुआ नगर था। वहां के लोग इतने ज्यादा पापी थे कि वहां पर जो पाप का जो ग्राफ था वो बहुत बढ़ गया था। अगर आप देखें परमेश्वर अब्राहम से जब बात करता है, अब्राहम से मिलता है, उत्पत्ति उसका 18 और उसके 20 पद में परमेश्वर पिता कहता है, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया। देखिए सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है। समझते भारी का मतलब क्या है, कि वहां के लोग कोई भी धर्मी नहीं थे, सब अधर्मी हो गए थे, सब पाप में थे, एक दूसरे के साथ निर्लज्जता का काम कर रहे थे। लूत वहां रह तो रहा था, जब लूत ने फैसला किया था मैं उस देश में जाके रहूंगा, उस नगर में रहूंगा, तो वो बड़ा खुश था। लेकिन जब वहां पर वो गया उसे समझ में आ गया कि मेरा चुनाव गलत था, और इसीलिए वो क्या करता था, प्रतिदिन फाटक के बाहर आके बैठा करता था। और जब परमेश्वर ने उस सदोम अमोरा को नाश करने के लिए योजना बनाई, क्योंकि उनका पाप बहुत भारी हो गया था, मैंने पहले बताया था कि जहां पाप बहुत बढ़ता है उसकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंचती है और प्रभु का न्याय आता है। परमेश्वर ने उस नगर को, सदोम और अमोरा को नाश करने का फैसला किया, और परमेश्वर के दूत सदोम और अमोरा पहुंचते हैं। लेकिन देखिए लूत जो था एक पौनाई करने वाला व्यक्ति था। लूत नगर के फाटक के बाहर बैठा हुआ था, और जब परमेश्वर के दो सूत वहां पहुंचते हैं तो वो उनको देखता है और उनसे कहता है मेरे घर में आकर विश्राम करो, मेरे घर में ठहरो, खाओ पियो। क्योंकि वो जो दूत थे दो वो अंदर आना नहीं चाहते थे, वो नगर के फाटक के बाहर रहना चाहते थे। लेकिन लूत ने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, उनको दबाया कि नहीं मेरे घर में आइए। और देखिए परमेश्वर के दो दूत उसके घर में जाकर ठहरे, और वहां जाकर जब वो वहां ठहरे तो देखिए वहां के लोग कितने निर्लज्ज थे कि उन्होंने लूत से कहा कि उन दो पुरुषों को जो तुम्हारे घर में आए हमें दो ताकि हम उनके साथ गलत काम करें। पर लूत ने कहा नहीं, लूत ने उनको बचाया। और देखिए रात बीती और जब सुबह हुआ, अगर आप देखें उत्पत्ति उसका 19 यहां पर लिखा है, वो कहता है तब उन पाहुनों ने लिखा, जब लोग दबाने लगे, खींचना चाहते थे लूत को और उन पुरुषों को,
तब लिखा उन पहाड़ों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और देखिए परमेश्वर दूत ने काम किया, यहां लिखा है, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार टटोलते टटोल थक गए, लेकिन उन्हें द्वार नहीं मिला, वो खोल नहीं पाए। और देखिए फिर उन पहाड़ों ने उन सौगुतों ने लूत से कहा, तेरे घर में कौन कौन है, तेरे साथ कौन कौन है, दामाद बेटे बेटियां, वह नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। उस पाप के स्थान से, उस पाप के घर से परमेश्वर के दूतों ने कहा कि तेरा जो कोई भी है, दामाद हो या बेटी हो या बेटा, जो भी है उसको लेके यहां से निकल जा। और देखिए उसने क्या किया, 14 पद में लिखा है, तलमूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हुई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है, पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने हारा सा जान पड़ा। देखिए जब लूत ने अपने दामादों को बुलाया, उनसे कहा, सगाई हो चुकी थी कि देखो ये नाश हो जाएगा नगर, तुम इस नगर मत रहो, ये बर्बाद होने वाला है, चलो हम निकल चलते यहां से, तो दामादों को उन्हें ठट्टा सा लगा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, यदि आज किसी को बोले कि दुनिया का अंत होने वाला है, दुनिया नाश होने वाली है, प्रभु यीशु का आना निकट है, तो आज भी बहुत से लोग हंसी उड़ाते हैं, कहां है, कोई यीशु मसीह नहीं आने वाला। लोग कहते हैं क्या हुआ, ये संसार नाश नहीं होगा, इतने साल से संसार है। लेकिन प्रियो ये सच्चाई है, ये दुनिया का अंत होना है, ये दुनिया का नाश होना है। परमेश्वर ने इस दुनिया को जलाने के लिए तैयार कर दिया है, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को याद करें। हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं, उनको ये बात हम बताएं कि परमेश्वर का आना बहुत निकट है, ये दुनिया नाश होने वाली है, जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, जो पाप में है, जो पाप में फंसे हुए, उनको निकालें, उनको बताएं, सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि वो निकल जाएं। लूत ने कहा, बताया, उनको समझाया कि कल ये सदम हमारा नाश हो जाएगा, मेरे साथ चलो, लेकिन दामादों ने ठट्टा उड़ाया उसका। और देखिए उसके बाद जब पौ फटने लगी, सुबह होने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर में भस्म हो जाएगा। उन दूतों ने लूत से कहा, तू अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को लेकर इस स्थान से निकल जा, नहीं तो क्या होगा, जब आसमान से आग गिरेगी तू भी नाश हो जाएगा। परमेश्वर के दूतों ने उनको बताया निकलने के लिए। देखिए हमारे पास आज प्रभु का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है, यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास है, वचन हमें बताता है ये दुनिया नाश होने वाली है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद करो, क्योंकि लूत ने अपनी पत्नी को और अपनी बेटियों को निकालने की बहुत कोशिश करी, उनसे कहा चलो निकल जाओ, लेकिन लिखा है वचन में, पर वो विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटे को हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। देखिए लूत ने पत्नी से कहा, बेटियों से कहा, लेकिन लूत देरी करता रहा, उन्हें सुबह होने से पहले निकल जाना था, लेकिन वो देर करते रहे, है ना। हम भी बहुत बार देर करते रहते, परमेश्वर के वचन को मानने में, पाप की क्षमा पाने में, तौबा करने में देर करते रहते हैं। हम सोचते हैं चलो आज प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापा पड़ा है, कभी भी कर लेंगे। लेकिन देखिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारे मौत आ जाए, कब विनाश आ जाए, कोई पता नहीं है हमारी जिंदगी का। और इसीलिए उन दूतों ने जबरदस्ती उनको पकड़ के नगर के बाहर कर दिया और उनसे एक बात कही। देखिए उनसे कहा, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उन सदूतों ने कहा उस पहाड़ पे चले जाना, पीछे मुड़के मत देखना, पीछे मुड़कर ताकना नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना, जब तक वो पहाड़ पे ना पहुंच जाओ पीछे मुड़के मत देखना।
देखिए प्रभु का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह कहते हैं जो हल पे हाथ रखता है और पीछे मुड़ के देखता है मेरे राज्य की योग्य नहीं। जब एक बार हमने विश्वास कर लिया, जब एक बार प्रभु को जान लिया, जब परमेश्वर के निकट आ गए, तो हमें पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। क्यों पीछे मुड़कर ताके पुरानी जिंदगी में क्यों जाए, पुराने पापों में क्यों जाए? जब एक बार हमने तौबा कर ली फिर दोबारा क्यों जाए उसमें? हम अगर दोबारा जाते हैं तो देखिए हमारी जिंदगी का क्या हाल होगा। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद करो। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है बाईस पद में लिखा, फुर्ती से वह भाग जा क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस जगह का नाम सोअर पड़ा। और लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी उदय हुआ। और देखिए यहां लिखा है, और तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लेकिन लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। परमेश्वर ने, प्रभु के दूतों ने उन्हें आज्ञा दी थी कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन देखिए लूत ने नहीं देखा, लूत की दोनों बेटियों ने भी नहीं देखा, लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर उस नगर को देखा। इतने साल उस नगर में बिताए थे, इतने साल वहां रही थी, कितने उसकी सहेलियां थी, कितने उसके मित्र थे, कितने लोग उसके साथ थे वहां पर, उन सबको छोड़कर वो आई थी। यह मेरा विचार है, शायद उसने सोचा होगा कि देख तो लू मुड़के क्या सचमुच में नाश भी हुआ या नहीं है। हम कभी कभी परमेश्वर के वचन पे संदेह करते हैं, हम कभी कभी परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते नहीं है। जब एक बार हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, यीशु के पास आ गए, पीछे मुड़के पाप में मत जाइए, पाप की ओर मत देखिए, क्योंकि अगर आप पाप की ओर जाएंगे तो अपने प्राणों को आप नाश करेंगे। और यहां पर लिखा है जैसे उसे पीछे मुड़के देखा, लिखा है जैसे लूत की पत्नी ने दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा वो नमक का खंभा बन गई, उसका प्राण उसी समय उसमें चला गया, एक निशानी बन गई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी को, लूका 17:32 में कहते हैं लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसको याद करो। अगर हम प्रभु के वचन पर संदेह करेंगे, प्रभु के वचन को नहीं मानेंगे, प्रभु के वचन पर नहीं चलेंगे और प्रभु के साथ हम नहीं जाएंगे, इस संसार से कूच करना है हमको, संसार से चले जाना है, कोई हमारे साथ आए या ना आए, हमारा काम है उनको समझाना, उनको बताना। हमारा काम यह नहीं है कि उनके लिए अपने प्राणों को भी खो देना। जो हमने यीशु की ओर देखा है पीछे मुड़के ना देखे, संसार की ओर ना देखे, पाप की ओर ना देखे, परंतु हम यीशु की ओर देखें। इब्रानियों 12 में लिखा है कि आओ हम विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद करो, पीछे मुड़के मत देखो क्या हो रहा है। ये दुनिया नाश होगी जब पाप बढ़ रहा है, दुनिया अंत की ओर जा रही है, लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया, वो हमें नाश करना नहीं चाहता, तो हम पीछे मुड़के क्यों देखें? प्रिय बहन भाइयों, इसलिए आपसे मैं भी ये बात करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद रखें। आइए हम भी आज लूत की पत्नी को याद करें और पीछे मुड़ के ना देखें, अपने पुरानी जिंदगी को, अपने पुराने पाप को उसमें वापस ना जाएं। जैसे लूत की पत्नी ने अपना प्राण गवा दिया, हो सकता है हम पीछे मुड़ के देखें तो अपनी जिंदगी गवा दें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और यदि आप तौबा करना चाहते हैं, आज आप मन फिराना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आंखें बंद करें और परमेश्वर के लिए करना, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो, प्रभु हम आज याद करते हैं उसको, उसे पीछे मुड़ के देखा और अपने प्राण गवाए। प्रभु हम जो विश्वासी है कभी पीछे मुड़ के ना देखे, पाप की ओर ना जाए, संसार की ओर ना मुड़े, पर तेरी ओर ताकते रहें और आगे बढ़ जाएं। जैसे तूने कहा है अपने प्राण को जो बचाएगा वो खोएगा और जो खोएगा वो बचाएगा। प्रभु हम तेरे लिए प्राण को खोने वाले बने, आगे बढ़े, संसार के लिए नहीं, हम तेरे उतारते रहे। पिता परमेश्वर, जिन्होंने वचनों को सुना है मैं धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत आशीष दे प्रभु,
पाप की जिंदगी छोड़कर तेरे पास आए, फिर पाप में ना जाएं, अपने आसपास के लोगों को बता सके, अपने मेहमानों को, अपने परिवार को बता सके प्रभु तेरे वचनों को, ताकि वो भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन रहे। हर एक आशीष दे प्रभु, यदि कोई बीमार है, दुखी है, दुष्टात्मा पीड़ित है, तो प्रभु यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए। टोटल हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एवरी डीमन, एवरी सिकनेस कम आउट इन जीसस नेम। आई रिबुक राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लूज राइट नाउ लॉर्ड, यू रिलीज योर हीलिंग पावर राइट नाउ एंड टच एवरीवन लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरे सामर्थ्य प्रभु हर एक को छू और चंगा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, सबको जय मसीह।